हेमंत सोरेन जेल से बाहर आने के बाद कमजोर पड़ गए हैं या फिर ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं? दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो हेमंत सोरेन छाछ फूक फूक कर इस वक्त पी रहे हैं। जमानत मिलना आरोप मुक्त होना नहीं होता कि जेल से बाहर आते ही 24 घंटे के अंदर में चंपई सोरेन को आदेश दिया गया कि भाई आप मुख्यमंत्री का पद छोड़ दीजिए, जिस जैसे कि वो कोई नौकर हो। चुनाव से पहले हेमंत सोरेन को कुर्सी छोड़कर भागना पड़ेगा और ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेता मरे हुए हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी दो भागों में बट चुकी है, एक बाबूलाल मरांडी का ग्रुप है। नमस्कार, मैं हूँ अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। देखिए, झारखंड की सियासत इस वक्त बहुत गर्म हो चुकी है। हेमंत सोरेन जेल से बाहर आने के बाद कमजोर पड़ गए हैं या फिर ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और बीजेपी के लिए ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं? ये कई ऐसे सवाल है जिनके जवाब झारखंड की जनता जानना चाहती है और देश के लोगों की दिलचस्पी भी इस सवाल पर है। देखिए, झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और सब लोग जुटे हुए हैं अपनी अपनी तैयारियों में। तो झारखंड में हेमंत सोरेन की सियासत इस वक्त क्या है, चर्चा करेंगे प्रदीप सर से, राजनीति के विश्लेषक हैं। स्वागत है सर आपका चर्चा में। बहुत धन्यवाद अर्पिता आपका। सीधा सवाल सर आपसे लेंगे कि मुख्यमंत्री रहते हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ गया, बीजेपी सरकार केंद्र में है और हेमंत सोरेन जेल में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो हेमंत सोरेन छाछ फूक फूक कर इस वक्त पी रहे हैं या फिर और ज्यादा एक्टिव हो गए हैं कि नहीं अब तो मैं जेल भी जा चुका हूँ, अब बचा ही क्या है खोने के लिए? देखिए अर्पिता, ऐसा है कि दुर्भाग्य से हमारा जो हमारे देश में राजनीति जो है व्यक्ति केंद्रित हो गई है, ठीक है, बल्कि होना चाहिए था मुद्दा केंद्रित, ठीक है। लोकतंत्र हमारे देश में जो कमजोर हो रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारी राजनीति जो है व्यक्ति केंद्रित हो गई है, हर दल में बॉसिज्म है, ठीक है, मतलब नीतियों की बात, मुद्दों की बात, नीयत की बात नहीं होती, ठीक है। सबसे पहले पहली बात यह है इस मामले में कि देखिए, हेमंत सोरेन जेल से बाहर आरोप मुक्त होकर नहीं आए, सबसे पहला ये समझने की आवश्यकता है, ठीक है। हमारे देश में जो संविधान है, संविधान के अंतर्गत जो धाराएं हैं उसके तहत कई बार ऐसा होता है कि जो 302, अब तो धारा बदल गई, लेकिन जो 302 मतलब मर्डर के केस करने के बाद, ठीक है, मतलब जो हत्यारा होता है उसे भी कन्विक्शन के बाद भी जमानत मिल जाती है, ठीक है, पैरोल पर छोड़े जाते हैं वो, ठीक है। तो जमानत मिलना आरोप मुक्त होना नहीं होता। सबसे पहले दर्शकों को यह समझने की जरूरत है कि अगर हेमंत सोरेन को जमानत मिली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आरोप मुक्त हो गए, मतलब अभी तो केस चल रहा है। हाँ, केस चल रहा है, केवल कोर्ट कई आधार पर, और ये कोर्ट का प्रेरोगेटिव होता है, ठीक है, इसमें किसी भी एजेंसी ईडी सीबीआई केंद्र सरकार राज्य सरकार का कोई रोल नहीं होता, ये जजेज की प्रेरोगेटिव होती है। जजेज में भी देखिए, अपने यहाँ जजेज दो प्रकार के हैं, ठीक है, या होते हैं, सब जगह होते हैं, आपके परिवार में भी जो मुखिया होते हैं कई परिवार में अलग प्रकार के होते हैं, कुछ लोग प्यार से परिवार को चलाना चाहते हैं, कुछ लोग जो है एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में चलाना चाहते हैं। तो जजेज, कई जजेज ऐसे होते हैं जो कि जमानत देने में लिबरल होते हैं, कुछ जज ऐसा होते हैं कि नहीं, वो काफी कड़े होते हैं कि नहीं यार बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, जेल के अंदर रहना चाहिए इसको। तो जमानत मिलना हेमंत सोरेन की कोई उपलब्धि नहीं है, ये तो हो गई केस की बात, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपका कहना मानना यह है कि हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर आए तो उसका राज्य की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लोगों को है जानना कि देखिए, जेल से जब हेमंत सोरेन बाहर आए उससे पहले उनकी पत्नी कल्पना सोरेन एक माहौल झारखंड में तैयार कर रही थी। वो कल्पना सोरेन जो पहले चार दीवारी में रहती थी और ज्यादा राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेती थी, लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन जेल के अंदर जाते हैं, कल्पना सोरेन जगह जगह आप देखिए भाषण देती है, रैलियां करती है और मंच से महिलाओं को जोड़ती है और झारखंड के लोगों के बीच में एक भावुक मैसेज देती है, तो क्या उसका असर भी आप देखिए, क्या उसका असर भी हो रहा है कि झारखंड के लोगों में एक ये भाव आ गया हो कि नहीं नहीं हेमंत सोरेन को तो शायद फंसाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ भले कोई सीबीआई या ईडी ही केस करे, गिरफ्तार करे, कई लोग अपना ऐसा सिनारियो सेट कर देते हैं पब्लिक के बीच में कि ये दबाव की राजनीति शायद केंद्र सरकार कर रही है।
नहीं देखिए, इसमें आपको एक बात समझना पड़ेगा, जैसा मैंने अभी जस्ट कहा कि हमारे देश की राजनीति में मुद्दों का अभाव है। मुद्दे हैं, हजारों मुद्दे हैं, लेकिन जनता भी चर्चा पर, मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहती है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यही है कि आप देखिए, हेमंत सोरेन क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता है, लेकिन बात झारखंड मुक्ति मोर्चा की नहीं होती है, बात झारखंड मुक्ति मोर्चा के विचारधारा की नहीं होती है, बात हो रही है हेमंत सोरेन की। इसीलिए आप लेकर आई कल्पना सोरेन को। कल्पना सोरेन कौन है, उसकी क्या एंटिटी है? कल्पना सोरेन की केवल एक पहचान है कि वो हेमंत सोरेन की पत्नी है, ठीक है, और हेमंत सोरेन की पहचान इतनी है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक दिसोम गुरु शिबू सोरेन के पुत्र है, ठीक है। और जेल किस मामले में गए? वो गए भ्रष्टाचार के मामले में, जमीन पर कब्जा करने के मामले में, ठीक है। तो एक अपराधी के रूप में वो बाहर आए हैं, नंबर वन। और आते ही क्या किया, एक दूसरा आदिवासी मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को तुरंत गद्दी से हटा दिया। इससे साबित ये होता है कि ये मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके पिताजी की जागीर है, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा वो आने वाले चुनाव में। तो फिर सर आपको रोकते हैं हम यहाँ पे, मतलब एक बात और साफ होती है कि हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं डरे भी हैं अंदर से, क्योंकि चंपाई सोरेन से जिस तरह से उन्होंने एकदम से कुर्सी वापस ले ली, ये बात बताती है कि हेमंत सोरेन बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते कि कहीं से भी बीजेपी या कोई और आके चंपाई सोरेन के मन को भटकाए और उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी, उनकी पावर छिन जाए। यानी हेमंत सोरेन अब समझ रहे हैं कि अब कुछ भी गड़बड़ नहीं उनको होने देना है, और उनके मन में एक डर है कि चुनाव नजदीक है तो अगर मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं लूंगा तो मेरे हाथ में पावर नहीं रहेगी और मैं वो सारे काम का कहते ना क्रेडिट नहीं ले पाऊंगा, ये भी तस्वीर है। सही बात है, यही तो समझने की जरूरत है ना आम जनता को भी विशेष रूप से, और हम जैसे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को भी समझने की आवश्यकता है कि देखिये महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण देश की जनता के लिए या झारखंड की जनता के लिए महत्वपूर्ण क्या है। झारखंड महत्वपूर्ण है, झारखंड का विकास महत्वपूर्ण है, झारखंड के मुद्दे महत्वपूर्ण है। लेकिन हेमंत सोरेन के लिए क्या महत्वपूर्ण था कि जेल जाते समय ये सोचकर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनवा दिए कि ये मेरा रबर स्टाम्प की तरह रहेगा, ठीक है। और जब बाहर आते हैं तो बेइज्जत करके चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री गद्दी से हटा देते हैं। याद कीजिए, इससे पहले भी बिहार में यही हुआ था। बिहार में क्या हुआ था कि नीतीश कुमार जब 2014 में लोकसभा चुनाव में जब भारी पराजय हुई तो शर्मिंदगी से उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार को एहसास हुआ कि जीतन राम मांझी अपनी पहचान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और यार मुख्यमंत्री बना है तो पहचान तो बनाएगा ही, तो वैसे ही नीतीश कुमार ने क्या किया कि जीतन राम मांझी की कुर्सी छीन लिया। वैसे ही झारखंड में अभी जब लगा हेमंत सोरेन को कि चंपई सोरेन अगर साल डेढ़ साल अगर रह गया अगर कुर्सी पर तो अपनी छवि बना लेंगे, अपनी छवि बना लेंगे तो फिर मुझे कौन पूछेगा, मुझे इस चंपई सोरेन को रिप्लेस करने में बहुत ही मुश्किल होगी और आदिवासी वोट जो है चंपई सोरेन के साथ चला जाएगा, तो हेमंत सोरेन को अपनी ताकत बरकरार रख पाने में बहुत परेशानी होगी, दोबारा उस गद्दी पर आने में परेशानी होगी। इसलिए जेल से आते ही सबसे पहले देखिए आप घोषणा क्या हुई, दो दिन बाद में शपथ लेने की 7 तारीख को, और शपथ कब लिया गया 5 तारीख को ही, 2 दिन पहले ले लिया गया, 2 दिन भी नहीं ठहर पाए, इसका मतलब है कि घबराहट है, ठीक है। हाँ, तो ये साथ, तो इसीलिए आने वाले चुनाव में झारखंड में यह एक मुद्दा बनेगा कि एक तो हेमंत सोरेन का भ्रष्टाचार ये मुद्दा बनेगा, दूसरा मुद्दा बनेगा वहां पर हेमंत सोरेन की पदलोलुपता कि जेल से बाहर आते ही 24 घंटे के अंदर में चंपई सोरेन को आदेश दिया गया कि भाई आप मुख्यमंत्री का पद छोड़ दीजिए, जैसे कि वो कोई नौकर हो, ठीक है। तो ये साबित क्या करता है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल के नेता नहीं थे चंपई सोरेन, वो हेमंत सोरेन के एक तरह से रबर स्टाम्प की तरह उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो ये दूसरा विषय। तीसरा उससे बड़ा विषय क्या है, देखिए झारखंड की राजनीति में आज क्या हो रहा है कि वहां पर बहुत ही विकट स्थिति है सरकार में, वहां सरकार की, ठीक है, सरकार एक तरह से निष्क्रिय हो गई है वहां पर। आपको पता है झारखंड के 6 जिले में जो लव जिहाद जो है ना वो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, ठीक है, भयंकर चल रहा है लव जिहाद वहां पर, ठीक है। वहां पर आदिवासी महिलाओं का
आदिवासी महिलाओं के साथ बांग्लादेश से आकर मुस्लिम समुदाय के लोग जो है विवाह कर ले रहे हैं। अच्छा। और विवाह करके फिर उनको पंचायत चुनाव में लड़वाते हैं, मतलब कि और चुनाव वो जब जीत जाती है तो मुखिया का जितना भी माने उसके ताकत का उपयोग करते हैं वो, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो है जैसे होता क्या है कि मान लीजिए अगर किसी आबिद अली ने किसी मान लीजिए गोमती मरांडी से शादी कर लिया, ठीक है, तो अब गोमती मरांडी को गोमती मरांडी बनाकर ही आदिवासियों का जितना भी लाभ होता है, अच्छा, ठीक है, वो उठाया जाता है, ठीक है, और जितने भी कागजात बनाए जाते हैं गोमती मरांडी का, उसमें पिता का नाम डाला जाता है, पति का नाम नहीं डाला जाता है, जिससे कि कोई पहचान नहीं सके कि इसने मुस्लिम से शादी कर लिया है। अच्छा, ठीक है, और हाँ उतना ही नहीं होता है, साथ ही जो बच्चे होते हैं उस बच्चे का नाम मुसलमान नाम रखा जाता है, वो नमाज पढ़ते हैं, और उतना ही नहीं बाद में क्या होता है जब सब कुछ उसकी संपत्ति उसका, चूंकि आपको पता है कि आदिवासियों की जमीन वहां कोई खरीद नहीं सकता, ठीक है, और आदिवासियों के पास अच्छी खासी जमीन है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि बच्चे पैदा हो गए, वो मुसलमान हो गए, वो नमाज पढ़ने लगे, ठीक है, उसके बाद उस आदिवासी महिला की हत्या कर दी जाती है, तो बहुत बड़ा एक तरह से बहुत बड़ा साजिश हो रही है, बहुत बड़ी, उसकी सारी संपत्तियों पर जो है कब्जा कर लिया जाता है, और इस साजिश के खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहे हेमंत सोरेन। मैं तो हेमंत सोरेन की बात नहीं कर रहा, मैं तो कर रहा हूँ वहाँ की भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी झारखंड में मरी हुई है, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में थोड़ी सी भी वहाँ औकात है, ताकत है, तो इस विषय को इतना बड़ा मुद्दा बन सकता है कि झारखंड छोड़ दिए चुनाव की बात, चुनाव से पहले हेमंत सोरेन को कुर्सी छोड़कर भागना पड़ेगा, और ये बड़ा गंभीर मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए और इस पर एक्शन की जरूरत है असल में। हाँ, इसकी बात नहीं होती है, कानून व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है झारखंड की भी, बिहार वाली स्थिति है वहां पर, एक तरह से विकास का काम जो है पैरालाइज हो चुका है वहां पर, केवल सरकार बचेगी बनेगी उसके पीछे लोग पड़े हुए, वहां देखिए कांग्रेस के मंत्री आलमगीर आलम के यहाँ से कितनी ज्यादा कैश बरामद होती है, ठीक है, वहां जो कांग्रेस के सांसद थे झारखंड में, राज्यसभा के मेंबर थे, ठीक है, उनके यहाँ से कितना बड़ा 350 करोड़ कैश बरामद होता है, लेकिन आज देखिए उस पर कोई बात नहीं होती, कोई मुद्दा नहीं बनता है, तो इतनी बड़ी समस्या है झारखंड में, उसके बावजूद वहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेता मरे हुए हैं, वहां कोई लोग सड़क पे आने को तैयार नहीं है, इस इंतजार में है, केवल भाजपा के लोग भी इस इंतजार में है कि जनता अपने आप हरा देगी, हेमंत सोरेन को कुर्सी से हटाएगी, कहीं ना कहीं विपक्ष को भूमिका में जन संघर्ष गायब हो चुका है, तो यह सबसे बड़ा मुद्दा है वहां। अब देखिए, अब झारखंड, अब हेमंत सोरेन पर क्या असर पड़ेगा, तो जवाब मेरा यही है, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग हेमंत सोरेन के खिलाफ सड़क पर आते हैं तो जनता उनके साथ है, साथ है, इसका मतलब ये है कि झारखंड, लेकिन हाँ। अगर ये सभी के सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी में भी जानती है कॉर्पोरेट कल्चर हो चुका है, उस कॉर्पोरेट कल्चर के कारण सब लोग एसी का सुख भोगते हैं, ठीक है, सड़क पे आने को तैयार नहीं है, लाठी खाने को तैयार नहीं है, बंद कराने को तैयार नहीं है, जन जनता के बीच जाकर संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता हुआ, बिल्कुल, इसीलिए सही मुद्दे नहीं उठ रहे हैं, सोरेन जैसे लोग वहां शासन कर रहे हैं, और ये तस्वीर दिख रही है कि झारखंड के जो चुनाव में ये तो बातें हैं कि जिस तेजी से हेमंत सोरेन लगे हुए हैं उतनी तेजी से विपक्ष यानी कि बीजेपी काम नहीं कर रही है, और असल में अगर बीजेपी वहां पर सही तरीके से जो झारखंड के मुद्दे उठाए, भारतीय जनता पार्टी दो भागों में बट चुकी है, एक बाबूलाल मरांडी का ग्रुप है, ठीक है, और दूसरा ग्रुप है जो बाबूलाल मरांडी के साथ उनकी पार्टी में नहीं गया था वे लोग हैं, ठीक है, दोनों के बीच बढ़ चुका है, आपस में इतना मतभेद है कि ये लोग कोई संघर्ष करने की स्थिति में नहीं है, अगर संघर्ष करने की स्थिति में नहीं होंगे तो बिहार वाली स्थिति होगी कि लालू यादव जेल में चरे घोटाले में फिर भी 2000 के चुनाव में लालू यादव चुनाव जीत के आ जाते हैं, बिल्कुल, ठीक है, तो यही स्थिति होगा, कितना भी भ्रष्ट शासन हो लेकिन विपक्ष अगर उसका प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं है तो क्या होगा, केजरीवाल के साथ क्या हुआ दिल्ली में बताइए, विधान लोग ठीक है लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीत जाती है वहां पर, लेकिन विधानसभा में क्या होता है, इतना भ्रष्ट मुख्यमंत्री फिर भी बार बार विधानसभा चुनाव जीत रहा है, क्यों जीत रहा है, इसलिए कि बीजेपी के नेता जो है कॉरपोरेट कल्चर में ढल चुके हैं, जनता के बीच जाने को तैयार नहीं है, जनसंघर्ष करने को तैयार नहीं है,
कुल मिलाकर सर आपकी बात से एक तस्वीर और साफ हो गई है कि झारखंड के अंदर मुद्दे बहुत सारे हैं, और जिस तरीके से हमें देखने को मिला कि हेमंत सोरेन तो बहुत एक्टिव दिख रहे हैं, जेल से बाहर आकर उनको एहसास हुआ है कि उनकी ताकत घट रही है, लेकिन बीजेपी इसका अंदाजा नहीं लगा पा रही है। बीजेपी को जिस तरीके से मुद्दे उठाने चाहिए या मुद्दे बनाने चाहिए वो नहीं बना पा रही है, और इसीलिए हेमंत सोरेन कमजोर होकर भी ताकतवर बने हुए हैं, और बीजेपी की एक्टिवनेस ना होने के चलते बहुत बड़ा असर हेमंत सोरेन पर नहीं पड़ रहा है और वो इस चुनाव में फिलहाल सबसे आगे नजर आ रहे हैं। मुद्दे पर हमने बहुत अच्छे से चर्चा की सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। तो झारखंड में क्या हो रहा है, बीजेपी में जो दो फाड़ की चर्चा आपने की है और ये मुद्दा भी बनाया, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, साथ में जो आपने आदिवासियों का मुद्दा उठाया, धर्मांतरण के साथ साथ लव जिहाद की जो आपने बात की, इस पर भी खबरें जरूर लेकर आएंगे कि झारखंड में ये कौन सा ठीक है, इस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन केवल दर्शकों की सूचना के लिए बता रहा हूं मैं कि प्रतिदिन बांग्लादेश से झारखंड में डेली लगभग 500 लोग डेली आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और उतना ही नहीं, आते हैं वो, उनका नाम धीरे धीरे आधार कार्ड बन जाता है, उनका नाम मतदाता सूचियों में शामिल हो जाता है, ठीक है, और वो हर वो सुख सुविधा उठाते हैं। और उतना ही नहीं, उससे भी बड़ी समस्या ये है कि आदिवासी युवतियों का दैहिक शोषण होता है, साथ ही उनके साथ शादी विवाह कर एक लैंड जिहाद चल रहा है झारखंड। बिल्कुल सर, हम इस पे अलग से एक गंभीर चर्चा जरूर करेंगे और ये मुद्दा जरूर उठाएंगे। फिलहाल हम लोग इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।